तो मैं तो हर साल अमेरिका जाता ही हूँ वहाँ पे। न्यूयॉर्क में जाएंगे आप तो न्यूयॉर्क में सेकेंड एवेन्यू स्ट्रीट पे पेट्रोल पंप है, और उसके थोड़ी सी आगे जाकर एक दुकान मिलेगी, उसका नाम है मैचलेस गिफ्ट। और वहाँ पे शिला प्रभुपाद ने अपना ये हरे कृष्णा मूवमेंट शुरू किया था, पहला इस्कॉन सेंटर वहीं था, या पहला इस्कॉन सेंटर वहीं था। और उसी के आप जाएंगे, वो आगे शॉप है, उसी के पीछे एक कंपाउंड है, खुला आंगन, और बिल्कुल उसके पीछे एक बिल्डिंग है, उसके सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे प्रभुपाद का रूम था, वहाँ छोटा सा रूम रहते थे। अब वो दुकान बहुत छोटी सी है, मतलब आप जाएंगे, मैं तो सरप्राइज था, मैं गया तो मैंने देखा ये तो बहुत ही छोटा रूम है, जैसे जैसे आजकल बड़े बड़े फ्लैट्स की किचन नहीं होती, उतने साइज़ की है। तो वहाँ पे कितने लोग बैठेंगे, हिप्पी आते थे बैठते थे। शिला प्रभुपाद ने सोचा कि हिप्पियों को लाए कैसे कृष्णा कॉन्शियस में, क्योंकि मैसेज तो फिलॉसफी तो चलो बाद में समझेंगे। हिप्पी लोग जो थे उस टाइम अमेरिका में, जो स्पेशली आज भी सेकेंड एवेन्यू जो स्ट्रीट है वहाँ पे आज भी हिप्पी लोग घूमते हैं, और आज भी रात को जाना मना है वहाँ, क्योंकि वहाँ पर फिर थोड़ा डेंजरस है, न्यूयॉर्क वैसे ही डेंजरस है पूरा, वो तो और डेंजरस है। सो वहाँ पे वो हिप्पी एरिया था, तो हिप्पी लोग आते थे क्योंकि उनको इंटरेस्ट था मिस्टिसिज्म में, और या मिस्टिसिज्म, और उसके बाद क्या कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, एक इंटरेस्ट था उस टाइम हिप्पी मोमेंट में। तो प्रभुपाद एक सेंट थे, बूढ़े थे, और वैदिक वैदिक सेंट इंडिया से, तो बहुत चार्म था। तो लोग आते थे हिप्पी लोग, बट उनको सिर्फ दो ही चीज़ में इंटरेस्ट था, एक खाना और एक सेक्स, ऑफ कोर्स आई मीन टू से तीसरा ड्रग्स, तीन चीज़ों में ही थे वो लोग। और चौथा मेडिटेशन या मिस्टिसिज्म। सो ये भाई यही था उनके लाइफ में। प्रभुपाद ने इनको अट्रैक्ट कैसे किया जाए, कैसे उनको बुलाया जाए। शुरू में तो प्रभुपाद अपना फीस्टिंग करते थे, प्रसाद बना, अकेले प्रसाद बनाते थे सबके लिए, सुंदर सुंदर प्रवचन देते थे, कीर्तन, कीर्तन में लोग आते थे अपना, ठीक है अच्छा है, गुड वाइब्रेशंस हैं, नहीं इट्स नाइस, और फिर अपना आके अटेंड करते थे। बट प्रभुपाद ने फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद एक जार रखा शीशे का, और प्रभुपाद ने उसमें गुलाब जामुन बना के रखे। अब बाहर के लोगों ने गुलाब जामुन तो कभी क्वेश्चन ही नहीं, उन्होंने सोचा भी नहीं गुलाब जामुन क्या है, वो लोग तो बॉइल्ड खाते हैं, पिज़्ज़ा भी खाते हैं। सो डिवोटीज ने ये किया, प्रभुपाद ने कहा ठीक है आपको एक एक गुलाब जामुन निकाल के दिया जो भी जा रहा था। सो लोगों ने कहा पता नहीं, बहुत अट्रैक्ट हो गए, क्या चीज़ है, तो पढ़ा रहता था। तो फिर जब ये जो जो कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया प्रभुपाद को, नहीं डिवोटीज कौन कौन थे वहाँ पे जिन्होंने ज्वाइन किया था शुरू में, ब्रह्मानंद स्वामी, और फिर उसके बाद आई थिंक गर्ग मुनि, ये सब वहीं थे, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो वो प्रभुपाद वहाँ बना के रखते थे, तो जब भी आते थे तो एक निकाल के मुँह में डाल के खा लिया। तो उसी लालच में आने लगे लोग, गुलाब जामुन के लालच में, प्रसाद है, स्वीट है, इंडिया में भी अगर आप रख दो एक गुलाब जामुन मिल रहा है सुबह सुबह। एक्चुअली था, एक्चुअली हमारे जब हम जब मैं पहले मंदिर में था तो नोएडा में, इस्कॉन नोएडा में, तो वहाँ पे मंगल आरती के बाद, आज से 20 साल पहले बात कर रहा हूँ, तो हमें मंगल आरती के बाद प्रसाद देते थे, जैसे आप क्या देते हैं, तो वहाँ पे देते थे खीर प्रसाद, ठंडी ठंडी गर्मी में खीर पूरी काढ़ी हुई, और फिर कभी कभी गुलाब जामुन, कभी आई थिंक गुलाब जामुन भी देते थे गर्मियों में, गर्मियों में गुलाब जामुन और हर्बल टी सुबह सुबह। तो भीड़ लग गई, लोग आते थे उसी के लिए आते थे स्पेशली लोग सुबह सुबह लेने के लिए, ठीक है जैसे तैसे, ये ना कहना भी प्रकार है ना। इसकी वजह से गुलाब जामुन के ऐसे लोग आने लगे, विजिट करने लगे, उन्होंने कहा चलो अभी जा रहे हैं, एक दर्शन भी हो जाएंगे, सुन लेंगे और एक सीधा मुँह में डाल के निकल लेंगे। तो उसको प्रभुपाद ने, उसकी वजह से बहुत डिवोटीज़ बने, मतलब अट्रैक्ट हुए, तो इसलिए उसको प्रभुपाद ने नाम दिया इस्कॉन बुलेट्स, इस्कॉन बुलेट नाम दिया। कि अगर ये बुलेट किसी को लग जाए तो वो मर जाएगा, बुलेट लग दी तो मर गया, ये गुलाब जामुन किसी के अंदर गया तो वो डिवोटी बन जाएगा। उसके बाद से नाम गुलाब जामुन का इस्कॉन बुलेट्स चलता रहा। अब आजकल तो नहीं मिलते इस्कॉन सेंटर से गुलाब जामुन ऐसे पड़े हुए फ्री, कोई भी उठा के खा ले, बट दैट वॉज़ अ आइडिया। आइडिया ये था कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत टेस्टी प्रसाद होना चाहिए, आइडिया ये था।
उस गुलाब जामुन को, टेस्टी प्रसाद को प्रभुपाद ने इस्कॉन बुलेट नाम दिया था। प्रभुपाद ने एक और कहा था, प्रभुपाद ने एक और चीज़ बनाई थी, सिंपली स्वीट, सिंपली वंडरफुल, सिंपली वंडरफुल भी बनाया था वो, कुछ कुछ मिल्क पाउडर मिला के, वो मिला के सुंदर सा सिंपली वंडरफुल, वो भी प्रभुपाद बांटते थे। सो ये प्रभुपाद की जीनियस ही, प्रभुपाद की ट्रिक थी, कैसे भी लोगों को अट्रैक्ट कर, कैसे भी मतलब फालतू के आइडिया से नहीं, बट एक जेन्युइन बोनाफाइड आइडिया से लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस में लाना, वो प्रभुपाद की एक्सपर्टनेस थी। हरे कृष्णा।